गाइस वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि संस्कारी लड़की कैसी होती है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा फर्स्ट पॉइंट है अवॉइड आर्गुमेंट्स। जो गर्ल्स बहस करने से, बेकार की बहस करने से अपने को बचाए रखती है, कहने का मतलब बहस नहीं करती है, अपने से बड़ों के साथ, पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ, या कोई भी घर में कोई मामा है, दादाजी हैं, या कोई बड़े बुजुर्ग हैं, चाची है, नानी है, दादी है, कहने का मतलब संस्कारी लड़की का मतलब होता है कि बड़ों से बहस ना करना। क्योंकि दादी है तो हो सकता है उनके ज़माने में लड़कियों को कुछ अलग तरीके से उनकी परवरिश की जाती होगी, लेकिन आज के समय में लड़कियों को हर चीज़ की आज़ादी है, पढ़ने की आज़ादी है, जॉब करने की आज़ादी है, करियर चूज करने की आज़ादी है, शादी भी अपनी मर्ज़ी से करने की आज़ादी है। तो पहले के समय में इतनी आज़ादी नहीं थी। तो अगर दादी, नानी, चाची, कुछ मौसी कहती हैं तो उन्हें बहस में नहीं पड़ना चाहिए, बहस नहीं करना चाहिए, उन्हें शांत रहना चाहिए। यही एक संस्कारी लड़की की पहचान होती है, चाहे दादी सही हो या गलत हो, तो उन्हें बहस में नहीं पड़ना चाहिए, उनका मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि उनके मन में आपकी छवि अच्छी हो कि उनकी बेटी कितनी अच्छी है, कुछ भी बोल दो जवाब नहीं देती है, कितनी संस्कारी है। तो संस्कारी लड़की ऐसी होती है। सेकंड पॉइंट से फ्रेंडशिप विद फ्यू पीपल। हाँ, कहने का मतलब है कि एक संस्कारी लड़की जो होती है उसके दोस्त बहुत कम होते हैं, गिने चुने दोस्त होते हैं, लेकिन वो जिससे भी दोस्ती करती है उसके दोस्त सच्चे, संस्कार वाले और अच्छे होते हैं। तो संस्कारी लड़की जो होती है उसके दोस्त कम होते हैं लेकिन सच्चे और अच्छे होते हैं, क्योंकि जो जैसा रहता है उसकी संगति वैसे लोगों से ही होती है। इसलिए संस्कारी लड़की जो है उसके गिने चुने दोस्त ही होते हैं, और उसमें दोस्ती की परख भी होती है, वो इंसान की परख भी कर लेती है कि ये इंसान कैसा है, तब जाके दोस्ती करती है, इसलिए उसकी दोस्ती कम होती है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम किसी से बात ही ना करें, चुप रहें और कम दोस्ती करें, ऐसा मैं नहीं कह रही, लेकिन हाँ दोस्ती उससे करें जिससे कि आप कुछ सीख सकें और आपके जीवन में कुछ अच्छा हो। किसी से भी दोस्ती, बात कर लेना ठीक है, लेकिन गहरी दोस्ती ना करें, क्योंकि जीवन में हम जिसके भी साथ रहते हैं तो संगति का असर पड़ता ही है। जो चीज़ हम आसपास देखते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं, हमें खुद पे काबू नहीं रहता, हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, और पेरेंट्स की बात भी उस समय गलत लगती है। इसलिए जो संस्कारी लड़की होती है वो कम दोस्ती करती है लेकिन सोच समझ के दोस्ती करती है, और गिने चुने दोस्त ही रखती है। थर्ड पॉइंट है डोंट यूज़ सोशल मीडिया मच, मतलब कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करती है, ज़रूरत के अनुसार ही यूज करती है। जैसे आजकल जो है फैशन चला है मोबाइल का यूज करने का, मतलब बच्चे जो है पेरेंट्स से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ज़्यादा खेलते नहीं हैं बाहर जाके, वो सब मोबाइल में बिजी रहते हैं। तो सोशल मीडिया एक वरदान भी है, हम अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं, और उससे हमें कुछ गलत भी उसका हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए जो संस्कारी लड़की है वो ज़रूरत के अनुसार ही सोशल मीडिया का यूज करती है, व्हाट्सएप यूज करे, फेसबुक यूज करे या इंस्टाग्राम यूज करे, तो वो बहुत ही सोच समझ के और कम यूज करती है, सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ नहीं करती है। पर्सनल बातें, पर्सनल फ़ोटो या पर्सनल चीज़ें भी शेयर करती हैं तो सोच समझ के करती हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती हैं, उन्हें एक प्राइवेसी पसंद होती है। तो इस तरह की जो लड़कियां होती हैं वो संस्कारी मानी जाती हैं, कही जाती हैं। फोर पॉइंट्स है फोकस ऑन वर्क। संस्कारी जो लड़की होती है वो अपने काम पे फोकस करती है, कि लाइफ में उसका एक गोल होता है, उसे अचीव करने पे वो ध्यान देती है कि मुझे बड़े होके क्या बनना है,
उसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कोई भी फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, राइटर बनना है, तो वो उस चीज़ पे अपने वर्क पे फोकस करती है और प्रतिदिन डे टू डे उस पे मेहनत करती है जिससे कि वो लाइफ में कुछ कर सके। अगर आईएएस ऑफिसर बनना है तो शुरू से ही वो पढ़ाई में ध्यान देती है। तो दोस्तों, ऐसी लड़की संस्कारी होती है, अपने पेरेंट्स का, देश का नाम रोशन करती है। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है कि संस्कारी लड़की बनना है तो ये क्वालिटी भी आप में 100% होनी चाहिए। 5 पॉइंट से टेक केयर ऑफ एवरीवन, कहने का मतलब है कि संस्कारी लड़की होती है वैसी लड़की होती है जो अपने पेरेंट्स, माता पिता का ख्याल रखती है। वो समझती है कि मेरे पेरेंट्स के पास कितने पैसे हैं, वो हम पे कितना खर्च कर सकते हैं, घर की आर्थिक स्थिति क्या है और हमें कितना डिमांड करना चाहिए और कौन सी गलत आदतों को नहीं अपनानी चाहिए, पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहिए, बहस नहीं करना चाहिए, उनके कामों में हाथ बटाना चाहिए। आपके पेरेंट्स कोई भी काम करते हो फिर भी आपको इसमें शर्म महसूस नहीं होना चाहिए, फ़क्र महसूस होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कितने चिंतित रहते हैं और कितना मेहनत करते हैं। तो एक संस्कारी लड़की इन चीज़ों को समझती है, इसलिए वो अपने छोटे भाई बहन का भी केयर करती है, घर के कामों में भी हाथ बटाती है और पापा मम्मी के अगर कोई प्रोफेशनल वर्क है, इनकम करने का कोई जरिया है, उसमें भी वो हाथ बटाती है, घर में शांति का माहौल बनाती है। वो सोचती है कि मेरी वजह से घर में कभी कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरह से संस्कारी जो लड़की होती है अपने पेरेंट्स की मदद करती है और घर में कोई भी रिश्तेदार आ जाए, चाचा मामा कोई भी आ जाए, तो सबों की करती है, इज्जत देती है। दोस्तों, संस्कार भारतवर्ष में एक संस्कार ही ऐसी चीज़ है कि हम किसी को मुफ्त में दे सकते हैं। अगर हम बड़ों का पैर छूते हैं, उनका सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम छोटे हो जाते हैं या हमारी वैल्यू कम हो जाती है और हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। इस चीज़ को समझती है संस्कारी लड़की। तो संस्कारी लड़की ऐसी होती है, रोज़ सबों का ख्याल रखती है, कोई भी घर में गेस्ट है, रिश्तेदार है तो चाय पानी के लिए पूछती है। तो ये है हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कृति वाली लड़की की पहचान। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट गेट ड्रंक, कहने का मतलब कि कोई भी ड्रिंक, नशीली चीज़ों का सेवन वो नहीं करती है। बहुत सोच समझ के वो अपने जीवन का खान पान शैली तय करती है जिससे कि वो स्वस्थ रहे, उसका मस्तिष्क फ्रेश रहे और वो अच्छा सोच सके, अच्छे थॉट उसके माइंड में आए, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो एक संस्कारी जो लड़की होती है वो गलत चीज़ों का सेवन नहीं करती है, क्योंकि ज़्यादा ऑयली भोजन करना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और हम आलसी हो जाते हैं। तो एक संस्कारी लड़की कुछ भी खाती पीती है तो अपने सेहत को देखते हुए, माइंड को देखते हुए बहुत सोच समझ के वो सात्विक भोजन करती है। यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी खाना सही नहीं होता है, इतना नहीं तो कम से कम नशीली चीज़ों से वो अपने आप को दूर रखती है। तो आप भी एक संस्कारी लड़की बनना चाहती हैं तो प्लीज़ आप भी नशीली चीज़ों से, बुरी चीज़ों से दूर रखें अपने आप को। 7 पॉइंट से है आउट लेट एट नाइट, जो संस्कारी लड़की होती है वो घर से बाहर ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, अगर रहती भी है तो कोई काम से रहती है, जैसे कि उसकी मजबूरी हो कि पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं हो हायर एजुकेशन दिलाने के लिए, तो वो स्ट्रगल कर रही है लाइफ में, संघर्ष कर रही है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, इसलिए वो जॉब करती है। तो जॉब से अगर लेट से नाइट में आती है तो वो उसकी मजबूरी है या वो ऐसा पैसा अर्न करने के लिए करती है तो सही है, लेकिन अगर वो फालतू में गपशप करने के लिए दोस्तों के साथ घर से देर रात रहती है और पेरेंट्स के पास बहुत पैसे हैं फिर भी वो गैर जिम्मेदार है तो वहाँ वो गलत है। तो इस तरह से लड़कियों को बिना बेवजह घर से बाहर देर रात तक बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर स्टडी के लिए ज़रूरी है, जॉब के लिए ज़रूरी है तो आप रह सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जब भी घर से बाहर जाएं देर रात तक कोई काम हो तो पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स से आपको उनकी चिंता रहती है। तो पेरेंट्स को अगर इन्फॉर्म करेंगी तो आपके साथ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो पेरेंट्स जो है आपको वो मिनट मिनट
पे फ़ोन करके पूछेंगे आप कैसी हैं, और जब तक घर आना जाए उन्हें चैन नहीं आएगा। तो इस तरह से मतलब ये एक परिवार की सेफ्टी और प्रेम भी होता है। तो इसलिए संस्कारी लड़कियाँ जो है पेरेंट्स की बात मानती हैं और उनसे बता कर ही जाती हैं कि मैं किस काम से जा रही हूँ। आशा करती हूँ ये वीडियो टीनेजर्स गर्ल्स के लिए बहुत ही यूजफुल रही होंगी, पेरेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगी। तो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की अमेजिंग रिलेशनशिप की वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो और कभी कभी मैं स्पेशल धार्मिक वीडियो भी लाती रहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें।